इसराइल का नाम आमतौर पर आतंकवादी हमलों, सैनिक कार्रवाइयों और रॉकेट हमलों के लिए ही खबरों में आता है। लेकिन कम लोगों को पता है कि दलदली जमीन पर बसे इस छोटे से देश ने खेती में वो कमाल किया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर सके हैं। इनमें सबसे बड़ा कमाल है ड्रिप इरिगेशन और पॉलीहाउस टेक्निक का आविष्कार, जिनमें एक जहां बूंद बूंद पानी से भरपूर सिंचाई संभव बनाता है, वहीं दूसरी से संवेदनशील फसलों को खराब मौसम की मार से बचाया जा सकता है। करनाल दिल्ली रोड पर घरौंदा में करीब 5 वर्षों से काम कर रहा इसराइल की मदद से स्थापित ये केंद्र किसानों और कृषि के विद्यार्थियों को इन्हीं तकनीकों में पारंगत कर रहा है। एक डेमोस्ट्रेशन सेंटर है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी यहाँ के लिए नई है अभी यहाँ के किसानों के लिए। जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं कि पॉलीहाउस में कलर कैप्सिकम लगाएं, खीरा लगाएं या फिर चेरी टोमेटो लगाएं, रेगुलर टोमेटो लगाएं, हम उसको यहाँ पे खुद लगा के दिखाते हैं, जो कि अगस्त में लगती हैं और वो सेम क्रॉप आपकी मई तक चलती है। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं, किसान आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं और इसको अडोप्ट करते हैं अपने खेतों में, और इससे कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी अर्निंग देती है किसानों को। यदि हम कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग से तो ये 5 से 10 गुना बेहतर रिटर्न देती है। ये है इस केंद्र का हाईटेक पॉलीहाउस, जहाँ किसानों के बीज को केवल 1 रुपया प्रति बीज के खर्च पर पौधा बनाकर वापस कर दिया जाता है। वैसे तो इस केंद्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब तक के किसान आते हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों को यहां 1 एकड़ के पौधों पर सब्सिडी भी मिलती है। स्थापना से लेकर अब तक इस हाईटेक पॉलीहाउस में करीब 2 करोड़ बीजों के पौधे तैयार किए जा चुके हैं। मेरे पीछे जो ये हाईटेक पॉलीहाउस आप देख रहे हैं, यहाँ बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं, और 2010-11 में जब से ये शुरू हुआ तब से अब तक 2 करोड़ पौधे इसमें तैयार हो चुके हैं। जिस साल ये शुरू हुआ था 2010-11 में, उस साल करीब 8 लाख बीजों से पौधे तैयार हुए थे, जो कि 3 साल बाद यानी 2013-14 में करीब करीब 60 लाख बीजों से पौधे यहाँ तैयार हुए, और इस साल अब तक जुलाई 7 महीनों में यहाँ 40 लाख बीजों के पौधे तैयार किए जा चुके हैं। करीब 10 एकड़ में फैले इस केंद्र में बड़े बड़े खेत हैं, जहाँ बाकायदा इजरायली तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतरीन फसलें पैदा की जाती हैं, और उन फसलों के आधार पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ मिलने वाली ये जानकारियाँ उस बड़ी कमी को पूरा करती हैं जो आमतौर पर भारतीय किसानों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। हरियाणा और उसके आसपास के किसान भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये सुविधा मिल सकी है, लेकिन करोड़ों किसानों वाले देश में ऐसे एक प्रशिक्षण केंद्र की भूमिका अहम होने के बावजूद कितनी सीमित है, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम पानी और मौसम की अनिश्चितता के बावजूद बेहतरीन सब्जियों का उत्पादन इसराइल की विशेषता रही, और इसराइल की इसी तकनीकी विशेषता का फायदा उठाने के लिए 4 साल पहले करनाल में इस केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां से अब तक करीब 325 किसान और 150 छात्र प्रशिक्षण ले चुके हैं। जरूरत है इस तरह के केंद्रों को देश के और हिस्सों में स्थापित करने की, ताकि पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिल सके। मंडी.com के लिए करनाल से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।